हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का गौरव जा फिटनेस में। तो भाई लोग, आज आपका भाई लेके आया है चेस्ट एंड बाइसेप्स वर्कआउट, क्योंकि आज मंडे है। तो आज हम लोग चेस्ट और बाइसेप्स ट्रेन करेंगे घर पे ही। कुछ नहीं चाहिए आपको, दो ईंट चाहिए, जैसा कि मैं वर्कआउट लाता रहता हूं। तो आज हमारा चेस्ट एंड बाइसेप्स अच्छे से ट्रेन होगा घर पे ही। बिगनर के साथ बताऊंगा किस तरह ट्रेनिंग करना है आपको। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो साथ फॉलो करो, सब कुछ समझ जाओगे आप लोग। तो पहले ट्रेन करेंगे चेस्ट को, फिर करेंगे बाइसेप्स को। हमारा चेस्ट और बाइसेप्स अच्छे से घर पे ही ट्रेन हो जाएगा। तो स्टार्ट कर दे भाई लोग, किस तरह क्वेरी हो तो इंस्टा पे पूछ देना भाई, और इसी तरह कंटेंट के लिए चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, वर्कआउट में स्टार्ट करते हैं। पहले तो करेंगे पंप थोड़ा सा, क्योंकि हमारा क्लोज ग्रिप करेंगे पंप, जिससे कि हमारा बाई चेस्ट और हमारा जो बाइसेप्स है एक्टिव हो जाएगा, थोड़ा आर्म्स हमारा एक्टिव हो जाएगा, जिससे कि हम चेस्ट पे काम करेंगे, फिर उसके बाद बाइसेप्स पे काम करेंगे। चलिए वर्कआउट स्टार्ट करें। चलो भाई, पहले करेंगे कुछ पंप भाई लोग। पंप में क्या करना है हमको, क्लोज ग्रिप पुशअप्स, जिसमें कि हमारा फोकस रहेगा चेस्ट पे भी और बाइसेप्स पे भी। ग्रिप रखना है क्लोज, ठीक है, कोर रहेगा सीधा, सर सामने, ऑल द वे डाउन स्लोली स्लोली। चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हो गया। तो 11 to 15 रिपीटेशन जाना है, 2 से 3 सेट 4 सेट आपका चेस्ट और बाइसेप्स अच्छे से पंप हो जाएगा, फिर उस पर हम काम करेंगे। तो पहला एक्सरसाइज होगा हमारा, जिसमें कि हम करेंगे वाइड ग्रिप पुशअप्स। चेस्ट पे पहले काम करेंगे, तो ईंट को रखना है वाइड, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ आपको आज का क्या, आज का किस तरह का वेरिएशन हम ट्राई कर रहे हैं। आज हम कर रहे हैं पहले वाइड ग्रिप टारगेट करेंगे, पहले बाहर वाले चेस्ट को ट्रेन करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद अंदर वाले पार्ट को ट्रेन करेंगे, फिर उसके बाद उसके लाइनिंग को ट्रेन करेंगे चेस्ट को। इस तरह हमारा वर्कआउट प्लान है। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं वाइड ग्रिप पे, अपना चेस्ट को चौड़ा कैसे करें, ठीक है। तो ले लो भाई ईंट, ले लो वाइड पे रखो ईंट, ठीक है। ईंट को पहला हमारा एक्सरसाइज हुआ चेस्ट का, वाइड पे टाइट कर रहे हैं हम बाहरी बार पे। तो वाइड रखो भाई, और वाइड रखो, थोड़ा सा और वाइड, शाबाश। चलो सर सामने, कोर सीधा, चलो 1, 2, 3, 4, 5। अभी हम कर रहे हैं बाहर वाले चेस्ट पे टारगेट, वाइड ग्रिप चेस्ट पुशअप, वाइड ग्रिप के लिए पुशअप्स, वाइड ग्रिप पुशअप्स। ईंट रखना है, जिससे कि हाइट हो जाएगा और थोड़ा अच्छा से आप काम कर पाओगे अपने चेस्ट के बाहर वाले पार्ट पे, हो गया। फिर हम करेंगे चेस्ट के अंदर वाले पार्ट में भी काम। तो अभी लगाना है हमने चेस्ट प्रेस, ठीक है, लेट के नीचे, फिर ऑल द वे अप स्क्वीज, अप स्क्वीज। हम बाहर वाले पार्ट में तक काम कर रहे हैं, तो लगाएंगे चेस्ट प्रेस। चलो भाई, चेस्ट प्रेस में क्या करना है, ऊपर जाके चेस्ट स्क्वीज, सिंपल रखना है आपको, बस पाम उड़ सकते हो, पाम उड़ सकते हो इस तरह से। इस तरह से रखना है आपको, जो पूरा जमीन पे पूरा रखना नहीं हाथ, जिससे कि पूरा सपोर्ट मिले आपको, बस टच करके ऊपर, ऑल द वे अप स्क्वीज डाउन, अप स्क्वीज डाउन। चलो शाबाश, लगाओ, फोकस रहना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए आपका चेस्ट पे, जिस पे कि आप काम कर रहे हो। लगाना है 10 to 15 repetitions, 20 repetitions। अभी हम बाहर वाली पार्ट पे टारगेट कर रहे हैं, चलो शाबाश। चल इसका लगाना है 10 to 15 repetitions, 20 repetitions, छोड़ दो। अभी हम बाहर वाली पार्ट पे काम किए हैं, अब तुरंत आ जाना है हमने क्लोज ग्रिप। अब हम इनर वाले, इनर बाहर से अब आ जाएंगे अंदर वाले पार्ट पे, चेस्ट के अंदर वाले पार्ट। सिंपल अक्सर बता रहा हूँ, बिगनर हो कर सकते हो परफॉर्म। अगर आप 3 से 4 repetitions, 3 से 4 सेट कर लेते हो तो आपका अच्छा सा चेस्ट पंप हो जाएगा घर पे ही। तो पहले क्या करना है, पंप करना है, फिर वाइड ग्रिप, फिर हमने करना है चेस्ट प्रेस, अब आ जाना है क्लोज ग्रिप पे। क्लोज ग्रिप पे क्या करना है आपको, इस तरह से रखना है ईंट को। हम अभी करेंगे इनर चेस्ट को ट्रेन, ठीक है। तो इस शेप में रखना है आपको और लगाना है पुशअप्स। लगाओ भाई, इसे क्या होगा, हमारा अंदर वाला चेस्ट जो है ये चीज, इनर चेस्ट हमारा तगड़ा होगा। फिर उसका दूसरा एक्सरसाइज भी करेंगे इनर चेस्ट के लिए, ठीक है। चलो शाबाश, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अभी हम अंदर वाले पार्ट ट्रेन कर रहे हैं, अब बाहर वाले पार्ट पे पहले ट्रेन कर रहे थे, ठीक है। चलो शाबाश, छोड़ दो। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा हमारा अंदर वाले पार्ट के लिए। चलो लेट जाओ, दोनों ईंट को कंबाइन करो, ऑल द वे अप इनर चेस्ट स्क्वीज। चलो शाबाश, दोनों ईंट कंबाइन इस तरह से, चेस्ट पे फोकस, इनर चेस्ट पे फोकस। चलो ऊपर स्क्वीज, शाबाश। चलो 1, पाँव मोड़ सकते हो, पाँव मोड़ो अच्छे से फोकस कर पाओगे। 3, चलो शाबाश, स्लोली स्लोली आराम से, चलो चलो आराम से। अभी हम इनर चेस्ट पे डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्लोज ग्रिप किए, फिर उसके बाद आ गए हम इनर चेस्ट पे ऊपर जाके स्क्वीज। चलो शाबाश, चलो छोड़ दो। तो हमने बाहर वाले पार्ट पे काम किया, सिंपल दो एक्सरसाइज, अंदर वाले पार्ट पे किया सिंपल दो एक्सरसाइज। अब लगाएंगे कुछ फ्लाइज, बिगिनर के लिए तगड़ा सा वर्कआउट प्लान तैयार करके लाया हूँ भाई, करो और अच्छा बेनिफिट घर पे ही मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। और मिले तो भाई को जरूर बताना इंस्टा पे, गौरव जा फिटनेस।
तो चलते हैं भाई, अब करेंगे हम कुछ फ्लाइज लगाएंगे। फ्लाइज में क्या करना है आपको, इस तरह से सामने लाके स्क्वीज चेस्ट, फिर डाउन स्क्वीज, फिर डाउन स्क्वीज, इस तरह लगा के हम कुछ लाइनिंग पे भी काम कर लेंगे। बिगनर में भी आपको क्या करना पड़ता है, चेस्ट के सारे पार्ट पे अगर एक एक इंडिविजुअली टारगेट करोगे तो अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। ठीक है भाई लोग, रिपिटेशन ज़्यादा रखना है, लगाना है स्लोली स्लोली, ठीक है। रिपिटेशन ज़्यादा क्योंकि हमारे पास लाइट वेट है, ईंट का वेट है तो बहुत कम है, इसलिए अगर आपको कुछ उससे बेनिफिट चाहिए तो रिपिटेशन इंक्रीज करना पड़ेगा। चलो भाई फ्लाइज लगाते हैं कुछ अभी, चेस्ट के लाइन नीचे लेट के, नीचे लेट के लेट जाओ। चलो शाबाश, वन पाँव मोड़ो, पाँव मोड़ो और फोकस कर पाओगे अच्छे से। चलो शाबाश, लाइनिंग पे काम होगा हमारा, चेस्ट का जो लाइनिंग है ये फाइबर वगैरह है ये दिखेगा, तगड़ा से ज़्यादा रिपरेशन लगाओ कुछ आपको बेनिफिट ईंट से ही मिलेगा भाई लोग। शाबाश, चलो पूरा सटाने की जरूरत नहीं ग्राउंड पे, चलो 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 शाबाश। इसका भी आप लोग 20-30 रेपरेशन लगा सकते हो, ये हमारा चेस्ट के लाइनिंग के लिए हो जाएगा और चेस्ट का सेपरेशन भी इससे हो जाएगा। अच्छा सर छोड़ दो। तो देख लिया आप लोगों ने सिंपल एक्सरसाइज, बाहर वाले पार्ट पे ट्रेन किया, अंदर वाले पार्ट पे ट्रेन किया और कुछ लाइनिंग पे ट्रेन किया, हमारा चेस्ट ट्रेन हो गया। क्योंकि हमारा चेस्ट और बाइसेप्स दोनों है तो हम बाइसेप्स पे भी ध्यान देंगे, चेस्ट पे भी ध्यान देंगे, जिससे कि हमारा दोनों चीज़ परफेक्ट हो जाए, घर पे ही अच्छा सा बिल्ड होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो अब आ जाते हैं बाइसेप्स पे। बाइसेप्स पे क्या करना है आपको, बाइसेप्स पे सिंपल जो बाइसेप्स का जो एक्सरसाइज करना है आपको मैं बता रहा हूँ। अगर रेप्रेशन करना है तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि रेप्रेशन जो आपका होगा मिनिमम कम से कम मतलब 10 सेकंड मान के चलो आप लोग, आपको 10 सेकंड में अपना एक रेप्रेशन कंप्लीट करना है। ये वेरिएशन ट्राई करो आप, जैसे कि हैमर लगा रहे हो ईंट से तो 10 सेकंड तक स्लोली स्लोली अप, फिर 10 सेकंड तक, फिर नीचे आप 5 सेकंड में डाउन, मतलब एक जो आपका रेप्रेशन होगा वो होगा 10 सेकंड का। ठीक है, ये ट्राई करो वेरिएशन, कोई सा भी एक्सरसाइज कर लगा रहे हो, हैमर लगा रहे हो, कोई सा भी कंसंट्रेटेड लगा रहे हो, ये वेरिएशन ट्राई करो, ज़्यादा ज़्यादा टाइम लो और एक्सरसाइज परफॉर्म करो। चलो स्टार्ट करते, बता रहा हूँ मैं आपको, आ जाओ बाइसेप्स लगाना, ईंट ले लो। अभी पहले हम करेंगे बाइसेप्स में भी वही चीज़ करेंगे, पहले अंदर वाले पार्ट पे काम, फिर बाहर वाले पार्ट पे काम, फिर राउंडनेस पे काम। ठीक है, हर एक पार्ट को इंडिविजुअली टारगेट करेंगे। तो ईंट रखना है सामने, ईंट पकड़ो सही से, इस तरह पकड़ो। ठीक है, ईंट रखना है सामने, शोल्डर से कोई हेल्प नहीं, फिर स्लोली स्लोली ऊपर आओ भाई, स्लोली स्लोली, शाबाश। चलो बाइसेप्स पे फोकस रखें, चलो शाबाश, जितना स्लो जाओगे उतने अच्छे से आप फोकस कर पाओगे अपने बाइसेप्स मसल पे, ऊपर जाते इसमें और स्लोली स्लोली नीचे आना है। रेपिटेशन 10 ही लगेगा आपसे, कोई बात नहीं 10 ही लगाओ, लेकिन टाइम का कोई लिमिट मत रखो। एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो तो फोकस होना चाहिए आपका, जो हाँ ये मसल ट्रेन हो रहा है। ठीक है, स्लोली स्लोली जाओगे, देख सकते हो आप लोग कॉन्ट्रैक्शन अच्छा खासा हो रहा है इसका, बाइसेप्स पे कुछ दिन हुआ है, इसका बिगनर है अभी, लेकिन इसको मैं अलग अलग वेरिएशन ट्राई कर रहा हूँ भाई, ये नहीं हो रहा ये ट्राई करो, ये नहीं हो रहा ये ट्राई करो भाई, वीडियो में आप लोग के लिए भी बनाता हूँ और आप लोग के लिए भी लाता हूँ। ऊपर जाके स्लोली स्लोली अप, ये हमारा अंदर वाले पार्ट पे काम कर रहे हैं, इनर पार्ट पे काम कर रहे हैं बाइसेप्स के। ठीक है, जितना स्लो जाओगे उतना फोकस कर पाओगे, उतना टेंशन डाल पाओगे अपने बाइसेप्स पे। वेट मैटर नहीं करता भाई, फॉर्म मैटर करता है, फॉर्म पोस्चर मैटर करता है, वो सही रखना है आपको। आपको लिफ्ट करना है सारे बाइसेप्स मसल से, शोल्डर कोई हेल्प नहीं, शोल्डर में कोई मूवमेंट नहीं, कोई बॉडी में मूवमेंट। ठीक है भाई लोग, 20 से 30 रेपिटेशन खींच दो आप लोग, तगड़ा सा आपका बाइसेप्स पंप हो जाएगा। पहला एक्सरसाइज हमारा इनर चेस्ट हो गया भाई, अभी आ जाएंगे बाहर वाले पार्ट पे। ठीक है, बाहर वाले पार्ट पे सिंपल हैमर कर्ल इस तरह लेना है और ऑल द वे अप, इस तरह के स्क्वीज ऑल स्लोली स्लोली, इस तरह करें उसी तरह, इस तरह हो जाए भाई। अभी हैमर बाहर वाले पार्ट पे, इस वाले पार्ट पे काम कर रहे हैं, तो हैमर कर्ल सिंपल सिंपल को ऐसे टप बनाना है, स्लोली स्लोली ऊपर लेके आना है, स्लोली स्लोली नीचे, जितना जितना स्लो जाओगे उतना अच्छे से आप उस पर काम कर पाओगे अपने बाइसेप्स मसल पे। ठीक है, बाहर वाले पार्ट पे काम कर रहे हैं अभी हम, स्लोली स्लोली देख सकते हो आप लोग किस तरह का आप लोग पंप महसूस हो रहा है, दूसरा सेट है इसका। चलो शाबाश, 15-20 रेपिटेशन, 30 रेपिटेशन जितना लगा सकते हो, टाइम लिमिट मत रखो, अच्छा से फर्स्ट परफॉर्म करो आप लोग। ये हमारा बाहरी पार्ट ट्रेन हो रहा है। ठीक है, अभी हम फिर से करेंगे अंदर वाले पार्ट पे काम, दोनों ईंट को साथ में रख के, थोड़ा सा ज़्यादा वेट हो जाएगा, थोड़ा सा मतलब लाइट वेट से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, फिर सेम चीज़ स्लोली स्लोली अप, स्लोली स्लोली डाउन। चलो भाई दोनों ईंट को करो कंबाइन, अभी फिर से हम इनर वाले पार्ट पे काम करेंगे, अंदर वाले पार्ट पे काम करें, फिर बाहर वाले पार्ट पे, फिर अंदर वाले पार्ट पे, फिर राउंडनेस पे, इस तरह करके आप अलग अलग वेरिएशन ट्राई करो, जिससे कि आपका बाइसेप्स जो है बड़ा दिखे। ठीक है, तो चलो इस तरह पकड़ो नीचे से, चलो पूरा नीचे ले जाओ, चलो आप स्लोली स्लोली शाबाश। इनर चेस्ट पे काम हो रहा है हमारा, दो ईंट का साथ में रखे, जिससे कि स्लोली स्लोली हम अंदर वाले पार्ट पे काम कर रहे हैं, इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, अंदर वाले पार्ट जो और तगड़ा होगा तभी हमारा जो बाइसेप्स का जो ऑल ओवर बाइसेप्स है वो बड़ा दिखेगा। ठीक है भाई लोग, इसका भी लगाना है 15-20 रेपिटेशन स्लोली स्लोली, एक टाइम लिमिट सेट कर लो आप लोग, 10 सेकंड में एक रेपिटेशन खत्म करना है। ठीक है, चलो शाबाश स्लोली स्लोली,
चलो फोकस होगा थोड़ा बाइसेप्स पे, सीधा बाइसेप्स पे पूरा फोकस होना चाहिए जिस पे काम कर रहे हो, मसल मैन कनेक्शन तगड़ा होना चाहिए, छोड़ दो। तो अभी हमारा हो गया इनर चेस्ट पे टारगेट कर लिया, इनर बाइसेप्स पे टारगेट कर लिया, बाहर वाले पार्ट पे टारगेट कर लिया। अभी हम करेंगे कुछ कंसंट्रेटेड में क्या करना है भाई, ईंट को रखना है यहाँ पे, ठीक है, और हमारे बाइसेप्स मसल से लिफ्ट करेंगे और स्क्वीज, इस तरह से स्क्वीज स्लोली स्लोली। चलो ये हमारा राउंडनेस पे काम करेगा, बाइसेप्स का राउंडनेस अच्छा हो जाएगा इससे, इस तरह नहीं पूरा पूरा नीचे जाने दो और सिर्फ बाइसेप्स मसल से लिफ्ट करो। चलो शाबाश, स्लोली स्लोली, चलो शाबाश, इसी तरह लगाना है। आपका बाइसेप्स मसल अच्छे से पंप होगा भाई लोग, लिफ्ट फोकस ये रखना है कि आपका ऊपर आते समय आपका ये जो राउंडनेस है इस चीज़ पे काम होना चाहिए बस, ठीक है। सर सामने, चलो रहने दो, इसका लगाना है दोनों साइड से लगाना है अच्छे फॉर्म के साथ, ठीक है, जिससे अच्छे फॉर्म के साथ और पता चलना चाहिए हाँ भाई हमारे राउंडनेस पे इस चीज़ पे काम हो रहा है, ऊपर आते समय सिर्फ बाइसेप्स मसल से लिफ्ट करना है। तो ये सिंपल एक्सरसाइज था भाई लोग, बाइसेप्स का और चेस्ट का, ये सब आज हमारा मंडे है तो चेस्ट एंड बाइसेप्स डे है, तो ये सब एक्सरसाइज कंबाइन करो और आपका आज का वर्कआउट हो गया, आज का परफॉर्म करो और अच्छा सा अच्छा रिजल्ट घर पे ही पाओ, और अलग अलग वेरिएशन ट्राई करते रहो भाई लोग, रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। और इसी तरह कंटेंट के लिए भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना गौरव जा फिटनेस, किसी तरह क्वेरी हो इंस्टा पे आके गौरव पूछ सकते हो आप लोग @GauravJaFitness। मिलते हैं अगले वीडियो भाई लोग और अच्छी वीडियो के साथ और अच्छे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए भाई लोग स्टे सेफ स्टे हेल्दी भाई लोग, मिलते हैं अगले वीडियो में।